ये दिन दिन पानी
और इसी बीच में हमारी छोटी बहन ये विकास की तरफ से फूलों और नोटों का हार डाल करके सम्मानित कर रही है। भगवान वो शील प्रदान करें, सीधे विषय की इच्छा करें। और इसी बीच में मैं बताना चाहूंगी आदरणीय हमारी छोटी बहन गीता साक्षी जी, ये भी हमारे गले में फूलों का हार डाल करके सम्मानित कर रही है। भगवान बुद्ध शील प्रदान करें, शील हमेशा की रक्षा करें। और इसी बीच में मैं बताना चाहूंगी चलते समय आदरणीय हमारी नानी जी, ये भी मुझे चलते समय 50 मुद्राओं से विदाई दे रही हैं। हमारे सभी साथियों को 10-10 मुद्राओं से सम्मानित कर रही हैं। भगवान बुद्ध की इन पर दया बनी रहे। आज मेरी माता बहनों, किस प्रकार से बेटी कहने लगी है,
सुंदर है। हेलो, और इसी बीच में ऑलरेडी हमारी बड़ी दीदी विजय लक्ष्मी जी, ये मुझे चलते समय 50 मुद्राओं से विदाई दे रही हैं। हमारी छोटी बहन पूजा साक जी, ये भी हमारे गले में है, फूलों का हार बना करके सम्मानित कर रही है, माल्यार्पण कर रही है। भगवान वो शील प्रदान करें, शील हमेशा की रक्षा करें। और इसी बीच में आदरणीय हमारी शशि बुआ जी, ये भी मुझे चलते समय 50 मुद्राओं से विदाई दे रही हैं। भगवान तथागत बुद्ध शील प्रदान करें, शील मिशन की रक्षा करें। बोलिए भगवान बुद्ध की, बोलिए पंचशील दरबार की। आज मेरी माता बहनों, इधर मारा सेठ सुलोचन की बेटी है जिसका नाम है श्यामा, और श्यामा सेठ सुलोचन अपनी बेटी को देख करके बड़े खुश और प्रसन्न होते हैं। धीरे धीरे महाराज वो बेटी शादी की योग हो जाती है। इधर क्या होता है कि महाराज सेठ सुलोचन के महलों में एक पुष्पक नाम का माली है, पुष्पक नाम का माली है। उसका प्रतिदिन का नियम था सेठ सुलोचन के महलों में जाना, फूलों का हार लेकर के जाया करता था। प्रतिदिन का नियम था। इधर क्या हुआ, सेठ पुष्पक नाम के माली पर बुढ़ापा आ गया, और जैसे उस माली पर बुढ़ापा आया, उसके पास एक बेटा है जिस बेटे का नाम है सुधाकर। आज मेरी माताओं बहनों, जैसे इधर सुधाकर, माली ने अपने बेटे सुधाकर से कहा, सुधाकर अब मुझ पर बुढ़ापा आ गया है और बुढ़ापे से अब मुझसे चला नहीं जा रहा है, ऐसा करो हमारी जगह पर अब तुम प्रतिदिन मारा सेठ सुलोचन के महलों में फूलों का हार लेकर के जाना। आज मेरी माता बहनों, जैसे इधर सेठ सुलोचन के महलों में फूलों का हार लेकर के जिस समय सुधाकर चला, आज मेरी माताओं बहनों, इधर श्यामा जो थी वो शादी की योग हो जाती है, यानी बाल अवस्था को छोड़ करके किशोर अवस्था में आ जाती है। आज मेरी माताओं बहनों, जैसी इधर आज मेरी माताओं बहनों, तो किस प्रकार से श्यामा ने देखा सुधाकर को, तो श्यामा विचार करने लगी, कुछ दिन पहले हमारे महलों में एक बुजुर्ग दादाजी फूलों का हार लेकर के आया करते थे, लेकिन अब ये हमारे महलों में नौजवान कहां से आ गया। आज मेरी माताओं बहनों, जैसे श्यामा ने सुधाकर को देखा, श्यामा आकर के सुधाकर के पास खड़ी हो गई। श्यामा कहने लगी, भैया आप हमारे महलों में आने लगे हो, लेकिन उससे पहले हमारे महलों में बुजुर्ग दादाजी आया करते थे, वो फूलों का हार लेकर के आया करते थे।
सुधाकर ने जवाब दिया, बहन मेरा नाम सुधाकर है, मैं पुष्पक नाम के माली जो हैं, मैं उन्हीं का बेटा सुधाकर हूँ। श्यामा कहने लगी, नाम तो बड़ा प्यारा है और नाम तो प्यारा है, महाराज देखने भी बड़ा सुंदर लगता है। आज मेरी माता बहनों, श्यामा खड़ी खड़ी सोच रही है, नाम भी सुंदर है, देखने में भी बड़ा सुंदर लग रहा है, और क्या सोच रही है, सुधा